हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, हमने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चाहे वो बी फार्मेसी का हो, बी टेक बी ई का हो, या फिर कोई और भी कोर्स का हो, इसमें से कोई भी, ओके, जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपका सभी का क्वेश्चन ये है कि हम कॉलेजेस के नेम कैसे सेलेक्ट करें जिसमें हमें एडमिशन लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया और एफसी वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। जो भी आपका कोर्स है उसके यहाँ पर से आप आएंगे, ये वाला मैं बीई बीटेक का ओपन कर देता हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर आएंगे, जैसे कि आप पहले जानते थे इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर यहाँ पर आपको 12 तक ही डेट थी, 13 नवंबर तक। अब ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है इंजीनियरिंग की भी और साथ ही साथ अदर कोर्सेज की भी। तो यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि जो नीचे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर 27 को सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होंगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म की डेट मिलेंगी। तो ये ऑप्शन फॉर्म के अंदर ही आपको जो है तो कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करना होता है, कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना होता है। तो अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सीट अलॉटमेंट कैसा होता है, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, वो आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी थी। अगर और भी कोई दिक्कत है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अदर कोर्सेस की अगर बात की जाए तो ये वेबसाइट है सीईटी सेल की, यहाँ पर इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर कोई भी कोर्स के आप पेज में चल जा सकते हैं, ओके। तो यही पूरी जानकारी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।